अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं K21 न्यूज और मैं हूं पलवशा महमूद। और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज संभाल लिया। KMC अफसरान से मुलाकात। सेवरेज और कचरा बुनियादी मसाइल करार। टैक्स जमा करने पर जोर। माजी में डायरेक्शन के बगैर काम का शिकवा। मसले हल करने के लिए विफाक के साथ भी बैठने पर रजामंदी का इजहार। पिछले चार पांच सालों में तो मसाइल हल ही नहीं हुए ना, कोई डायरेक्शन ही अनफॉर्चुनेटली नहीं थी। अगर मुझे फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी इन मामलों को हल करने के लिए बैठना पड़ा, मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं। मैं समझता हूं कि सबका शहर है, तो अगर फेडरल गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करेगी, पॉजिटिव तरीके से करेगी, तो बिल्कुल बैठा जा सकते। मुर्तजा वहाब की बिलावल भुट्टो से एक और मुलाकात। कराची के मसाइल पर बात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शहर की रोशनियां बहाल करने का टास्क दे दिया। लोग समझते थे कि कराची में अल्ताफ हुसैन नागुजीर है, खत्म हो गए, PTI आ गई। और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंध में भी होगी। बिलावल जरदारी ने बौखलाहट का शिकार होकर अपनी टीम तब्दील की है। मैं कहना चाहता हूं जितने भी रेलू कट्टे टीम में भेज दो, ये शिकस्त खोर्दा टीम है पीपल्स पार्टी की। कराची PTI का सिंध में हुकूमत बनाने का दावा। पीपल्स पार्टी का इंजन सीज हो चुका। जरदारी की यह आखिरी बारी है, मुराद अली शाह को हटाया जाए। अली मानी शेख की गुफ्तगू। कहते हैं कि नवाज शरीफ भाग गया और इसलिए वहां बैठा गया कि पोलिटिकल असाइलम लेगा। लेंगे पोलिटिकल असाइलम, लेकिन लेंगे आटा चोर, चीनी चोर, बिजली चोर, नवाज शरीफ असाइलम सोचना भी मत। और जब तक मियां नवाज शरीफ को लंदन में डॉक्टर्स नहीं कहेंगे वापस आने को, मियां नवाज शरीफ का वापस नहीं आएंगे। जब ठीक हो जाएंगे तो मियां साहब आएंगे। नवाज शरीफ को विफाक और पंजाब हुकूमत ने इलाज के लिए भेजा। बीजे की मयाद में तौसी की दरख्वास्त मामूल की कार्रवाई है। मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान मुस्ताफी। विफाक में अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। कोरोना से मजीद 67 घरों के चिराग गुल। अंबाज 23,702 हो गयी। 4,745 केसेज रिपोर्ट। कमिश्नर कराची भी मुतासर। ये चश्मा मैंने फ्री लिया है, मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया है। और 100 नहीं ले सकते भाई, गरीब आदमी है, नहीं ले सकते। किधर कोरोना ना इधर ना उधर। कराची वालों की गैर संजीदगी उरूज पर। बाबा जामा करार, मास्क लगाने से इनकार। लियारी वालों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। आगाही मुहिम की जरूरत महसूस की जाने लगी। सिंध हुकूमत से लाउड स्पीकर पर आज पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। अल्लामा सैयद रजी जाफरी नकवी और शब्बर रजा रिजवी के मुहर्रम उल हराम के दौरान कोरोना SOPs पर अमल की अपील। कई साल से सड़क पर सिवरेज का पानी। औरंगी टाउन 15 नंबर में इंतजामिया ने शिकायत सुनी अनसुनी कर दी। टैक्स देने वालों की मुंतखब नुमाइंदों पर तंकीद। निजी बैंक के गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल ब्रांच में बड़ा गड़बड़ घोटाला। सोने के जेवरात को नकली से बदलकर करोड़ों की चोरी। ऑडिट के दौरान भांडा फूट गया, मुकदमा दर्ज। मैनेजर और खातून समेत 4 अफराद गिरफ्तार। रहीम यार खान में मंदिर पर हमले के मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी? डिप्टी कमिश्नर और DPO काम नहीं कर सकते तो हटा दें। सुप्रीम कोर्ट की IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश। हजरत बाबा फरीद के उर्स की तकरीबात का दूसरा दिन। पाक पतन की रिवायती तबरुका तकसीम।
زائرین کا داخلہ بند، رکاوٹیں لگا کر دربار کے داخلے راستے سیل۔ کشمیر پریمیئر لیگ کی رنگ رنگ افتتاحی تقریب، مظفرآباد کرکٹ اسٹیڈیم میں 5 میچز کی تیاری، فائنل 17 اگست کو کھیلا جائے گا۔ اداکاری کے بعد گلوکاری، ڈاکٹر ہما میر کا ملی نغمہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اور سائنس فکشن کمالات کی بات، ایک سے بڑھ کر ایک دلچسپ سین، ہالی ووڈ فلم فری گائے 13 اگست کو ریلیز کی جائے گی۔ جراثیم سے 100% یقینی حفاظت پلس موئسچرائزر کے ساتھ سکن کیئر، بڑے خواب بڑی حفاظت، نیا لائف بوائے۔ آپ اپنے بڑے بڑے کاموں کو اہمیت دینے میں اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشی